नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे लखनऊ। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत किया जाएगा। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत होगा। शहर में अभिनंदन के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। चार बाग से प्रदेश मुख्यालय तक भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। प्रदेश मुख्यालय में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और धर्मपाल भी शामिल होंगे। शहर में अभिनंदन के होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए गए हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ आने वाले हैं। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ आएंगे। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ आएंगे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत होगा। शहर में अभिनंदन के होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। चार बाग से प्रदेश मुख्यालय तक भव्य स्वागत किया जाएगा। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ यूपी से राघवेंद्र जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ आने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि प्रदेश मुख्यालय तक भव्य स्वागत किया जाएगा? हाँ, देखिए, भूपेंद्र सिंह चौधरी की जब से नाम की घोषणा हुई है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, आज उनका पहला दौरा होगा लखनऊ के लिए। आज वह उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं, प्रदेश कार्यालय आ रहे हैं और इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कमी नहीं छोड़ने जा रही है। प्रदेश कार्यालय को पूरी तरह से सजाया गया है, एक बड़ा मंच तैयार किया गया है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी प्रदेश के रहेंगे और तमाम जो कैबिनेट के साथी हैं, जो मंत्रिमंडल के साथी हैं और जो से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता, वह सब प्रदेश कार्यालय धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ढोल और नगाड़ों की भी व्यवस्था की गई है। चारों तरफ छोटे छोटे समुदायों में कुछ नृत्य की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही, जैसा कि आप ब्रेकिंग में ही बता रही थी, कि जब वह चारबाग रेलवे स्टेशन पर जब उतरेंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं और संगठन के जो और तमाम जो नेता हैं और मंत्री हैं, वो वहां उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा और कुछ ही दूरी दूरी पर कार्यकर्ताओं का और जो जिनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे लोग कुछ कुछ संख्याओं में कुछ कुछ दूरी पर उनके स्वागत के लिए सड़क पर खड़े रहेंगे और यह धीरे धीरे यात्रा आएगी। चारबाग से लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक काफी समय लग सकता है, लगभग एक घंटे से डेढ़ घंटे का समय पूरा लग सकता है, जबकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें देरी हो सकती है और मंच पे आज प्रदेश अध्यक्ष का भी, नए प्रदेश अध्यक्ष का भी संबोधन होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनका भी संबोधन होगा। कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंच रहे तो भारतीय जनता पार्टी अपने
किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को या संगठन में जिसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है उसका मान सम्मान, उसका स्वाभिमान और उसका स्वागत समारोह बहुत ही जोश और खरोश के साथ करते हैं, ताकि आने वाले समय में वो अपनी भूमिका को बहुत ही सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ा सके। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से राघवेंद्र जी हमने देखा कि देखिए जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं अभिनंदन के, स्वागत के तमाम तरह की आपने जानकारी और भी जानकारियां साझा की हैं। प्रदेश मुख्यालय में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे और कौन कौन से नेता मंत्री मौजूद रहने वाले हैं? जी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहेंगे, संगठन महामंत्री अभी धर्मपाल जी जो अभी नव नियुक्त अभी जो झारखंड से जो यहाँ पर आए हैं यूपी के लिए उनको नई जिम्मेदारी दी गई है वह वहाँ पे रहेंगे, संगठन के सभी महामंत्री रहेंगे, मंत्री रहेंगे, संगठन के उपाध्यक्ष रहेंगे प्रदेश के, और इसके साथ ही जो कैबिनेट के जो तमाम और जो मंत्रीगण है वह रहेंगे मंत्रिमंडल में, क्योंकि 60 से ज्यादा मंत्री हैं पूरे मंत्रिमंडल में जिसमें स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री वह सब लोग रहेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं की भारी संख्या रहेगी और इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चौबंद की गई है ताकि किसी तरह कोई दिक्कत न हो, कोई अनहोनी न हो, कोई ऐसे अराजक तत्व इस पूरे काफिले में न घुसने पाए, साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है क्योंकि ये जो मुख्य मार्ग है ये या लगभग 2 से 3 घंटे तक जाम रहेगी तो यात्रियों को भी दिक्कत न हो इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है, तो इस तरह से पूरे कार्यक्रम को सम्पन्न कराया जाएगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, आप बने रहिए, आपके पास पर लौटेंगे। तो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ आने वाले हैं और लखनऊ आगमन को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं, पूरी तरह से लखनऊ तैयार है और स्वागत के लिए अभिनंदन के होर्डिंग और पोस्टर भी जगह जगह पर लगाए गए हैं।